वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। सूरत में हत्याओं का सिलसिला जारी है। 3 दिन से हत्या का वारदात सूरत में सामने का नाम नहीं है, जबकि दूसरी हत्या का वारदात सूरत के पांडेसरा इलाके में हुआ। वहां एक मिल में काम करने वाले एक युवक को काम करने के दौरान ही उसको गला रेत करके हत्या कर दी। कल देर रात काम को लड़ते समय पांडेसरा के बाटली बाय के सामने अज्ञात लोगों ने उस पर चाकू और पथराव किया। युवक की हत्या होने के बाद वो वहां से फरार हो गया। हालांकि देर रात तक घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने दौड़ करके मरीज यानी घायल को अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में वो मृतक हो गया था। और समाचार मिलते ही परिवार शोक की लहर में डूब गया। परिवार तुरंत अपने गृहनगर सूरत के लिए वहां से सूरत से रवाना हो गया। अभी सूरत शहर पांडेसरा इलाके में गैंगस्टरी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मानो गैंगस्टर पांडेसरा पुलिस के खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। एक के बाद एक हमले की लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसमें लगता है कि पांडेसरा पुलिस की निश्चित कार्यप्रणाली के खिलाफ। लेकिन इतने ही नहीं, कई सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आज पांडेसरा इलाके में मानो मिनी दमन सा हो गया है। रात के समय पुलिस की निगरानी में गली गली लोग अंग्रेजी शराब के ठेकों कई चहल पहल दिखाई देने लगी, जिसमें आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इस मामले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उच्च अधिकारी भी इस पर संज्ञान लें और बड़ी कार्रवाई करें। जी, आपका नाम? मेरा नाम जसराम है। क्या घटना बनी? ये घटना कल शाम को वही 11 बजे के आसपास बनी होगी, जैसे बता रहे हैं। बताए जब हम गए, सुबह फोन आया सुबह चौकीदार का गांव से, हमें मैं तो कोई फोन नहीं किया। गांव से सूचना मिली तो हम पहुंचे सुबह 6 बजे, तो वहां देखा तो इनका पड़े थे वहां। कौन पड़ा था? ओ, दिनेश कुमार। कितना उम्र है उसका? उसका उम्र 28-30 के बीच में है। क्या काम करते? वो TFO का मशीन चलाता था, बताते हैं। उसके हाथ में चाबी भी देखा, चाबी भी लिए है अभी भी। जब यहाँ लेके आए, हमको सौंपा गया कि एम्बुलेंस में लेकर से गिर जाओ, तब हम यहाँ लेकर। आपको कैसे पता चला? हमें तो गांव से पता चला है, चौकीदार हमारा चौकीदार है गांव में, तो वो फोन किया। परिवार में कितने लोग थे? परिवार में 2 भाई हैं, ये उसके माता पिता हैं। गांव में ये इसका दिनेश कुमार का गांव में ही परिवार है। 2 बच्चे हैं, यहाँ शादी हो चुकी है, 8 साल हुए। क्या लगता है क्या कारण होगा? अभी तो ये कारण तो उन्हीं को पता चलेगा भाई, जिनको जो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और कल से ढूंढ रहे थे उनके भतीजा, तो उनको पता होगा। हमें तो बस इतना पता, जब हम सुबह 6 बजे गए तो हमें इतना ही पता है, बाकी हमें तो कुछ। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।